मैं तो कल गई थी तो मैंने तुला दान करवाया था गुड़ से। मैं गया था तो मैंने तो वहां पर ऐसा ऐसा करा। याद रखिए, द्वारकाधीश से जाने के बाद में पता नहीं मती कि क्या करा। तीर्थ में जो तुम कमाई कर कर जा रहे हो, तीर्थ में जो तुम पुण्य कमा कर जा रहे हो, वो तुम किसी को मत बताना कि हमने यहाँ जाकर कितना दान, कितना पुण्य, कितना सत्कर्म और कितना परमात्मा का नाम लिया। बोलना ही नहीं है। और यदि आप पुण्य गिनाने के लिए बैठो तो फिर अपना पाप जरूर गिनाना। लेवल बराबर कर कर चलना कि हमने वहां जाकर क्या करा, हमने कुछ किसी के लिए झूठ तो नहीं बोला, हमने कहीं किसी को कटु वचन तो नहीं कहे, हमने किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, हमने किसी की निंदा तो नहीं श्रवण करी। हमने कोई ऐसा वाक्य तो किसी को नहीं बोल दिया जिसको घात लग गई हो मन में। यदि हम अपने पुण्य को गिनने के लिए बैठे तो फिर अपने पाप को जरूर गिनें कि हमारा पाप कर्म कितना है, हमने क्या क्या पाप कर्म किया। जब सतभामा जी भगवान को तोल रही थी, यही भूमि, यही द्वारका, और किस लिए, केवल कृष्ण को मुझे अपना बनाना है नारद जी, ऐसा कोई उपाय बता दो कि कृष्ण मेरा हो जाए। और मैं जैसा कहूं कृष्ण वैसा करे, मैं जैसा बोलूं कृष्ण वैसा करे। ऐसा कोई उपाय हमको मिलना चाहिए कि कृष्ण हमारा हो जाए। तो नारद जी ने एक ही उपाय बताया था कि अगर कृष्ण को तुम अपना बनाना चाहती हो तो कृष्ण के बराबर का समतुल्य में कोई भार हमको प्रदान कर दीजिए। सारा सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, रतन, आभूषण, माणिक, मोती सब कुछ दे दिया, पर अंत में पलड़ा नहीं झुका। क्यों? सतभामा को गर्व इतना था, अहंकार इतना था। जब अभिमान इतना प्रबल हो गया, अहंकार इतना प्रबल हो गया, तो फिर सुख क्या। सतभामा ने गर्व भयो है तोल लियो गिरधारी, अनधन लक्ष्मी सब धन दीनो कुबेर कर दियो खाली। फिर अंत में मात्र एक तुलसी का पत्ता, मात्र एक तुलसी का दल पलड़े में रखा गया और पलड़ा नीचे। क्यों? कई कई बार लोगों के मन में आ जाता है, बताओ मेरे बगैर काम नहीं हो सकता, मैं अगर कर रहा हूं तो काम होगा, मैंने किया है तो कर्म हो रहा है, मैं कर रहा हूं तो कर्म हो रहा है, मैं करूंगा तो कर्म हो रहा है। अरे जरा विचार करो कि भगवान आप ही से कोई काम क्यों करा रहा है। तो कभी विचार करो कि आखिर हमसे अगर परमात्मा कोई अच्छा काम करवा रहा है, हमसे परमात्मा कोई श्रेष्ठ कर्म करवा रहा है, हम अगर परमात्मा के लिए आगे बढ़कर किसी की सेवा कर रहे हैं, आगे बढ़कर हम कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो परमात्मा हमसे ही क्यों करा रहा है। और भी दुनिया में लोग पड़े हुए हैं, उनसे करवा लेता। पर परमात्मा का कोई अपना होता है, जो कोई अपना होता है अपन उसी को ही अपना काम बताते हैं कि ये मेरा काम है, ये तुझे करना है। कोई अपना, हम कहीं ना कहीं परमात्मा के जरूर अपने होंगे। इसलिए शायद परमात्मा हमसे ये अच्छा कर्म करवा रहा है।
और अच्छा कर्म करवा रहा है तो इसका अभिमत्ता ना हो, इसका अभिमान ना हो, ये विचार कर कर चलो कि कहीं हम परमात्मा के दास और हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई सत्कर्म ऐसा किया है जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं। दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788, 9560797722, 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।